मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भरतपुर दौरा, कॉलेज ग्राउंड में आयोजित मेगा जॉब फेयर का अवलोकन करेंगे। कॉलेज ग्राउंड में आयोजित मेगा जॉब फेयर में बच्चों से भी रूबरू होंगे। हेलीपैड पर कांग्रेसी नेताओं ने की सीएम गहलोत की अगवानी। मंत्री रमेश मीणा, भजनलाल जाटव, अशोक चांदना, जोगिंदर सिंह अवाना साथ आए हैं। भरतपुर से लाइव विधायक जोगिंदर अवाना जी, पीसी किशन साहब, रेणु जयपाल जी, आलोक रंजन जी और तमाम भाई और बहनों, मेरे प्यारे युवा साथियों, आज सही दिवस भी है। मैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी नमन करता हूँ। एक मौका है जब मुझे आने का सौभाग्य मिला मेगा जॉब से भरतपुर में। अभी तक उदयपुर, बीकानेर लग चुके थे, ये चौथा है जयपुर सहित, और सब जगह जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, नौजवान उत्साह है, कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही है। यहाँ भी देखा होगा आपने, जो प्रतिष्ठित कंपनी है वो भी आ रही है। मैं अपनी ओर से आप सबको, सबकी ओर से उन कंपनियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो विश्वास कर रही है हमारे यहाँ के युवाओं पर, और आगे भी जो हमने योजना बनाई है। आप सबको मालूम है कि इस बार मैंने एक साथ में 100 मेगा जॉब फेयर पूरे प्रदेश में लगाने का निर्णय किया, 100। और आपको ये भी मालूम है कि हमने निको के माध्यम से पहली बार कोई देश के अंदर प्रदेश होगा जो बड़े बड़े शहरों के अलावा अब उपखंड स्तर पर भी निको के क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। लगभग 50 समिति उपखंड स्तर पर निको के केंद्र उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनना बहुत बड़ी बात है। तो इसको अपन लिंक करें, एक तरफ तो आने वाले वक्त के अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करें हम लोग, तो ये हर उपखंड पर अगर औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, उद्योग लगेंगे, तो वहाँ के युवाओं को, वहाँ के उपखंड केंद्र आने वाले तमाम ग्राम पंचायतों को, ग्रामों के नौजवानों को सुविधा मिलेगी वहीं पर काम करने। इस प्रकार का अगर लिंक देखें तो सोच समझ करके ये निर्णय किया गया। आपको भी मालूम होगा कि सरकार बनते ही हमने MSME का कानून बनाया, जो मध्यम क्लास किचन की जो इकाइयाँ हैं, माइक्रो की है, स्मॉल इंडस्ट्री है, मीडियम है, उनके लिए कानून बना दिया। 3 साल तक जो नौजवान लगाएगा इंडस्ट्री, उनको सरकार के पास में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी काम के लिए। पूरे देश में उनका वेलकम हुआ था उस पर, कानून बनाया समझ जाना। अब वो 3 साल की सुविधा थी, उसको हमने 5 साल में बढ़ा दिया है। तो आप सोच सकते हो कि MSME कानून, उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र बनना, जॉब फेयर लगना, तमाम काम को देखे हैं हम मिला करके, और साथ में हमने जो फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू करवाया है, एग्रो बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग, उसके माध्यम से भी जो युवा चाहते हैं आगे बढ़ना, वो अब यहाँ सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो सरसों में जो घाणी लगानी है, मशीन लगानी है तेल निकालने के लिए, वहीं पर जहाँ जो उत्पादन पैदावार होती है उसको वैल्यू एडिशन कैसे करें, मूल्य संवर्धन कैसे करें उस चीज़ के अंदर, और जो सुविधा हमने दी है खेतों के अंदर फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने का, कहीं पूछने की जरूरत नहीं सरकार को, ना भूमि के रूपांतरण में, ना और किसी काम के अंदर। तो चारों ओर से हमने 5 सालों जो निर्णय किए हैं, अगर उसको जारी अध्ययन करें हम लोग, तो हमारे यहाँ के नौजवान राजस्थान के, जिसका इंटरेस्ट है उद्योगों के अंदर,
जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, उनके लिए बहुत एवेन्यू खुले हैं। जो जिस बात के लिए मैं महसूस करता हूँ कि जो बॉर्डर एरिया है हमारा इधर का, पूरे राजस्थान का, चाहे वो भरतपुर हो, धौलपुर हो, करौली हो, सवाईमाधोपुर हो, आस पास के एरिया और भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, यहाँ के नौजवानों को थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी। उनको आगे आना पड़ेगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं, खाली सरकारी नौकरी लेने से कोई काम नहीं चलने वाला। अच्छी बात है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा और शिक्षक का तो सम्मान प्राचीन काल से होता आया है, पर अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, अपने परिवार को ऊपर उठाना है, तो शिक्षा पे हमने बहुत तवज्जो दी है, स्वास्थ्य पर बहुत तवज्जो दी है। और आपको मालूम है कि अगर शिक्षा स्वास्थ्य दो प्रायरिटी आ जाए और ह्यूमन रिसोर्स अच्छा बन जाए उस क्षेत्र का, मानव संसाधन, तो विकास सत्य हो जाता है। क्योंकि वहाँ के लोग खुद लालच करके आगे बढ़ने में, संकल्प लेके कुछ काम करने में, ये सोच पैदा करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा भरतपुर डिवीजन भी किसी भी मायने में, पानी की समस्या आपके यहाँ, ईआरसीपी की मांग लगातार हम लोग दबाव बनाए हुए केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री ने वादा किया था खुद ने, रिकॉर्ड सबके पास रिकॉर्डिंग है उनकी, पानी आप देखते हो कि संकट से गुजर रहे हैं आप सालों से, बरसों से, सदियों से। अब जल जीवन मिशन की योजना आ रही है घर घर जल पहुँचाने का, 50% पैसा, 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, 45% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और 10% पैसा पब्लिक से मांग रहे गाँव वालों से। अभी मैंने घोषणा की बजट के अंदर 10% पैसा भी गांव वालों से लेने जरूरत नहीं, वो पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट देगी उनको, ये हमने कहा। इस प्रकार हम चाहते हैं हमारे राजस्थान के अंदर हर घर के अंदर नल पहुंचे, पानी पहुंचे। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पानी में, बिजली उत्पादन में, सोलर के अंदर, विंड के अंदर, सब में हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा में साथ में आप देख रहे हो आज कॉलेज नौजवानों के लिए, यहाँ बैठे नौजवान सब लोग आए हैं, मैं उनके लिए मेरा आशीर्वाद भी है, मेरी शुभकामना भी है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो। यहाँ जिस मिशन से सोच के आए हैं, अच्छे पैकेज मिले, मुझे बताया गया कि यहाँ पर पैकेज जो आपको 6.5 लाख का पैकेज भी मिला, यहाँ पर 4 लाख का भी मिला, 3 लाख का मिला है। जयपुर में अगर 35 लाख का पैकेज मिला था, मेरी कहा वो भरतपुर का था, पता नहीं कहाँ का था, इन सबको मालूम होगा। वो पैकेज मिला था कल जयपुर 35 लाख का, वो किसका था, कहाँ का था, बच्चा कहाँ का था, वो कहाँ का लड़का था, रहने वाला कहाँ का था, जयपुर के था, वो जयपुर के था। तो कहने का मतलब ये मेगा फेज के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर एक जो माहौल बना है, उसके माध्यम से नौजवानों को अवसर मिलेंगे, नौकरी पाने के अवसर मिलेंगे। और नौकरी सरकार लगा रही है, करीब 1.25 लाख से अधिक नौकरी लग चुकी है, 1.25 लाख के आसपास नौकरियों का इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, चल रहा है, 1 लाख की मैंने अभी और घोषणा करी है। तो सरकारी नौकरियों की सीमा होती है, 3-3.5 लाख नौकरी जो मैंने घोषणा कर रखी है, वो भी मेरे ख्याल कंट्री के अंदर सबसे अधिक राजस्थान में होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि नौकरी लगे, नौकरी उतर जाए, पर साथ में आप अपने आप को साहसी बनाएं, एंटरप्रेन्योर बने आप लोग, आप में दम कम है, योग्यता है, दक्षता है, उस तरफ भी मैं समझता हूँ कि जाना चाहिए आप सबको। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार ने जो निर्णय किए हैं और राजस्थान की जो
स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर वो कम नहीं है। युवाओं का हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैंने कहा आपको कि 250 कॉलेज थी राजस्थान में, अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 ईयर हो गए आज़ादी को, 250 बनी 75 ईयर के लगभग, और हमने इन 4 सालों में इस बार हमने घोषणा करके 303 कॉलेज बना दी राजस्थान, 303 कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज 100 से अधिक हो गई है, कृषि कॉलेज बन गई है। तो आप सोच सकते हैं कि वेटनरी कॉलेज बन रही है, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। जो पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर, जब 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में, आज 99 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है। आपको किसे कहते हैं, पहले हमारे बच्चे साधन होते नहीं थे, पूना जाओ पढ़ने के लिए, बम्बई जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, नागपुर जाओ, कर्नाटक में जाओ, मैंगलोर जाओ। उस वक्त मैंने फैसला किया था, आज सारी कॉलेजेस मेडिकल भी, इंजीनियरिंग भी, वेटनरी भी, सभी कॉलेज आपके यहाँ खोल रही है, राजस्थान में खोल रही है। तो आप देख रहे ITI कॉलेज की तो पूरा जाल मिल गया राजस्थान के अंदर, सब कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में आ रही। तो छात्रों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, छात्राओं को जाने की जरूरत नहीं। इतने में कहना चाहूँगा कि जब सरकार आपके लिए आगे बढ़ कर के इन सब कामों को कर रही है, पेपर लीक की घटना हो गई, पेपर लीक उत्तराखंड में भी, UP में भी, गुजरात में भी, बिहार के अंदर भी, आर्मी में भी, रॉ में भी, हाईकोर्ट जोधपुर में भी, राजस्थान जयपुर में भी, सब जगह पेपर लीक का एक पूरा गैंग बनी हुई देश के अंदर। हमने कानून बनाया असेंबली के अंदर, सजा का प्रावधान किया, जो छात्र बेनोर होंगे वो विवाह हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी हम लोगों ने जयपुर के अंदर, सब कुछ किया, जेल भेज दिया, पहली बार जेल के सिलेंडर बंद किया गया उन लोगों को। कहने का मतलब ये तमाम बातें, एक तरफ नौकरी दो और दूसरी तरफ जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं वो ये काम नहीं करते, उसके लिए कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, जो मैंने कहा बजट हमारा समझ उनके लिए है, तो आप देखिएगा कि जो साधन संपन्न होते हैं वो तो चले जाते हैं, अच्छी कोशिश करा दें उसके अंदर। एक तरफ RTE कानून बनाया भारत सरकार ने, जब UP गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी थी जमाने के अंदर, कानून बना करके अधिकार दिया गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, मां नरेगा, इतना अधिकार उस पर मिले थे। अभी हम चाहते हैं कि कोचिंग करवा रहे हम लोग, कोचिंग पहले 15,000 से इस बार 30,000 बच्चों को अनुपति योजना के अंतर्गत फ्री कोचिंग के इंतजाम कर दिया, बच्चों को लगाना चाहे अच्छी से अच्छी कॉलेज में जाएँ और वो एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर बच्चों को स्कूटी दे रहे हैं, 30,000 लड़कियों को स्कूटी दे रहे हैं। और तो आपको हमें खुशी होगी, आप भी उसका लाभ उठाएं, मैं इसलिए से बातें कह रहा हूँ। पहले 200 बच्चों को विदेश भेजने का मैं तय किया था, क्यों भेज रहे हैं, राजस्थान का नौजवान छात्र अगर आगे वहाँ पढ़ेगा, कैम्ब्रिज में पढ़ो या अमेरिका में पढ़ो, कहीं जाके पढ़ो, जहाँ से एडमिन हो जाता है वहाँ पर, तो पूरा खर्चा सरकार देगी, उसकी पढ़ाई का आने जाने का किराया देगी, रहने का इंतजाम करेगी और फीस देगी, वहाँ पर फीस देगी। अब आप मुझे बताइए उस संख्या बने मांग को देखते हुए इस बजट में मैंने 200 की 500 कर दी है, 500 बच्चे हर साल जाएंगे राजस्थान से विदेश पढ़ने के लिए, सरकार खर्च देगी उसका। तो मेरे कहने का मतलब ये है, योजना तो एक के बाद एक बन रही है, अब उसका लाभ आप कैसे उठाएं, ये तो आपके ऊपर भी रहेगा, निर्भर रहेगा। सरकार योजना बना सकती है, बल्कि मैं तो आपका आह्वान करना चाहूँगा, जो यहाँ बैठे नौजवान हैं, आप मीटिंग में आते हैं, जो हमारे सारे कार्यकर्ता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो अगवा लोग होते समाज के, उनको चाहिए अपने गाँव में, अपने मजरे में, ढाणी में कोई वंचित नहीं रहे परिवार,
हर परिवार जो कई लोग अनपढ़ भी होते हैं उनको मालूम रहते नहीं है सरकारी योजना क्या, और 25 लाख का उन्होंने बीमा कर दिया फ्री में इलाज का, कोई गरीब को पता ही नहीं बेचारे वो क्या करेगा, कुछ बने हाथ भी करो सरकार की, तब जाके आप लोग सब मिलकर के जो लोक कल्याण का योजना सरकार की है उसका हम लाभ सुनिश्चित कर सकेंगे। मैंने घोषणा कई कर रखी है आपको मालूम है, जिस प्रकार से अभी 100 यूनिट बिजली फ्री की है, महंगाई का जमाना बहुत भयंकर है, राहुल गांधी कहता ही महंगाई पे, बेरोजगारी पर, नॉन वायलेंस पर, और गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है देश के अंदर, उसको देते यात्रा करी, हमने उसी अवधारणा को एडोप्ट किया है बजट के अंदर, और इसीलिए मैंने अभी महंगाई को देखते हुए 100 यूनिट फ्री करी है उपभोक्ताओं के लिए। आप कल्पना कीजिए 1,04,00,000 लोगों का बिल जीरो आएगा राजस्थान में, 1,04,00,000 लोगों का। किसानों के लिए जो अपने 2,000 यूनिट फ्री करी है, 16,00,000 किसानों के बिल जीरो आएंगे राजस्थान के अंदर, 16,00,000 किसानों के बिल जीरो आएंगे। जो योजना उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना खूब प्रचार तो कर दिया, इतना गरीब है कि वो जो 400 सिलेंडर था वो 1,140 रुपये का हो गया, वो खरीद नहीं सकता, सिलेंडर नहीं खरीद सकता। अभी हमने कहा कि वो 76,00,000 लोग हैं, 76,00,000 लोग, उनको राजस्थान गवर्नमेंट 500 रुपये में सिलेंडर देगी, LPG कनेक्शन देगी, क्या 500 रुपये देगी। इस प्रकार महंगाई के दौर में हम चाहते हैं राजस्थान के प्रदेशवासी हैं महंगाई का भार कुछ कम हो, जिससे वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके, पढ़ाई लिखाई का भी, खान पान का भी अच्छा कर सके वो, ये सोच कर जो सारी स्कीमें बनाई गई है और उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने 500 करोड़ रुपये का युवाओं के लिए अलग फंड बनाया है, उसमें नई नई स्कीम बनती जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, अभी नौजवान जो इंटरव्यू देने जाते हैं बार बार एग्जाम देने जाते हैं बार बार फॉर्म भरना पड़ता था, फीस देनी पड़ती थी, इस बार मैंने घोषणा कर दी है एक बार फीस दो एक बार फॉर्म भर दो, फीस बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कितने कितने एग्जाम आप दो वो हमने छूट कर दो, इस बार में बसों में फ्री करते ही उस वक्त में एग्जाम के वक्त में। तो सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कोई कमी नहीं है, जो हम लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, छात्रों के लिए ड्रेस देने का काम हमने शुरू किया है छोटे बच्चों के लिए, दूध का पहले 2 दिन का मैंने साथ पूरे भी कर दिया है उनके उपलब्ध कराने के लिए पोषण को देखते हुए, तो ये सब सोशल सिक्योरिटी की बात है, ये सामाजिक सुरक्षा की बात है। और मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करी है कि आपको चाहिए कि आप पूरे देश में एक समान कानून बनाए, सोशल सिक्योरिटी कानून बनाए आप पार्लियामेंट के अंदर, जैसे मनमोहन सिंह जी के वक्त में मैंने कहा सोनिया गांधी जी वक्त बने थे ना, नरेगा का भी, RTI का भी, राइट टू एजुकेशन का भी, फूड सिक्योरिटी 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, उन तमाम लोगों को कानून बना के जो अधिकार दिए गए उसी ढंग से पूरे देश के जो बुजुर्ग लोग हैं, विधवाएं हैं, निस्पज्ञन हैं, उनको पेंशन देते हैं, हर राज्य अपने तरीके से देते हैं। हम चाहते हैं कानून बन जाए पूरे देश में जो परिवारों की हालत अच्छी नहीं है उन तमाम लोगों की जिम्मेवारी सरकार की होती है, उनके पूरे परिवार को किस प्रकार हम लोग मदद कर सकते हैं, पेंशन दे सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट लगभग 1 करोड़ लोगों को जो बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं या निस्पज्ञन हैं उनको पेंशन दे रहे हैं। अभी मैंने घोषणा करी है कि 1,000 रुपये मिनिमम सबको मिलेगी, अब पहले 500 में दे दिए अब 1,000 रुपये मिलेगी। इस प्रकार से छात्रों का, युवाओं का, सबका सरकार की तरफ से कई प्रयास हो रहे हैं। मैं आपसे इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा ये जो जॉब फेयर लग रहे हैं और जिस प्रकार ट्रेनिंग मिल रही है बच्चों को, राजस्थान सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको, आप आगे बढ़िएगा,
और मैं समझता हूँ कि जो मैंने कुछ बातें कही आपको उसके अलावा कई बातें कहने की। राजस्थान बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है, तेल निकलेगा राजस्थान में बाड़मेर के अंदर, तो खाली तेल निकलेगा बाड़मेर में, पर वो राजस्थान में निकला तेल, रिफाइनरी लग रही है वहाँ पर 40,000 करोड़ से, रोजगार मिलेगा या उद्योग धंधा लगाएंगे नौजवान, आपको आ जाना चाहिए वहाँ पर, हजारों लोग उद्योग लगाएंगे, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में है रिफाइनरी के, जो बहुत कम जगह होता है देश के अंदर, आधुनिक रिफाइनरी बन रही है पचपदरा के अंदर, उसमें आपकी भागीदारी हो, नौजवान जाके हो, वो जाके वहाँ चले उद्योग लगा सकते हैं क्या, उद्योग विभाग से बातचीत करें, उद्योग केंद्र होगा आपके भरतपुर के अंदर, जिला उद्योग केंद्र वहाँ जाके बातचीत करें, कुछ तो आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, सब चीज़ सरकार नहीं कर सकती है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है और उसी ढंग से हमने कोरोना का मुकाबला किया आपके सहयोग से, कोरोना में जो आप लोगों ने पब्लिक ने साथ दिया, धर्मगुरुओं ने साथ दिया, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, उसके कारण से हमने जो मुकाबला किया उसका नाम देश में नहीं दुनिया भर में होगा, बिरला मॉडल हमारा बहुत शानदार रहा, ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई राजस्थान के अंदर, ऑक्सीजन क्राइसिस दिल्ली में था, अहमदाबाद में था, बम्बई में था, कई जगह था, लोगों को बैठाए हमने, कई लोग फिर भी चले गए दुनिया से, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने शानदार प्रबंधन किया था उसका भी, इतने में इतना ही कह सकता हूँ आपको कि आप लोग आज मेगा जॉब फेयर में आए हैं, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, इस बार कामयाबी मिल रही है उनको मेरी बधाई है, कंपनियों को धन्यवाद, और जिनको इस बार जॉब फेयर में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हिम्मत नहीं हारे, अगली बार इंतजार करें, हम चाहेंगे कि आपको अवसर मिले, यही बात कहता हूँ मैं, आप सब पधारे रहे यहाँ पर, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब के प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। लीडिंग स्टेट राजस्थान, प्रोग्रेसिव स्टेट राजस्थान, अनस्टॉपेबल राजस्थान, मॉडल स्टेट राजस्थान।